सर मुझे समझ में नहीं आता है, अपराध का सबसे बड़ा ग्राफ ही वही लोग है जब बड़ा बड़ा हुडिंग लगाएंगे बलात्कारियों का, माफियाओं का, बालू माफिया जब हुडिंग लगा करके जब भीड़ इकट्ठा करेगी तो वैसे लोगों को ला करके क्या बिहार में आप अपराध रोकिएगा, उसके खिलाफ लड़िएगा? भैया ये तो खून में चरित्र में है, कुनबा में है। अभी भी नहीं समझ पा रही है, राजद और नेता और जनप्रतिनिधि नेता का नियत और नीत में खून में है। जरूरत पड़ता है तो पैर पकड़ता है, जरूरत पड़ता है तो गले ठूस देता है। ये धन कुबेर ये कोई जाति का धन कुबेर नहीं है, ये धन कुबेर है, कोई जाति नहीं है। इसको आप उस रूप में ना लीजिए, भूरा बाल को गाली देने वाला भूरा बाल समाप्त करेंगे। और दलित पिछड़ी जो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस होगा ये गंदगी से, नीतीश जी और नरेंद्र मोदी पहले सफाई करके दिखाए तब लोगों किसी चीजों को बैंड करे। जबरदस्ती डर दिखा करके स्कूल कॉलेज को पैनिक बना के लोगों को डराया जा रहा है, और बाजार से सैनिटाइजर साबुन और माउस को आउट ऑफ मार्केटिंग करके ब्लैक मार्केटिंग करवाया जा रहा है। 18 तारीख को पूरे बिहार की मैंने बैठक बुलाई है। इस सरकार और विपक्ष के कारनामे को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, यदि सरकार अपराधियों के खिलाफ जिहाद नहीं छेड़ी तो आम आदमी के पहले पप्पू यादव से अपराधियों को लड़ना होगा। कोरोना वायरस में सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है, वो जिम्मेदारी चुनौती के साथ पप्पू यादव कबूल करता है। और किसी भी गरीब की मदद के लिए हमारी पार्टी और पप्पू यादव खड़ी है। ये दोनों बिहार के नाशक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस वामपंथी पार्टी मिलके दोनों आगे बढ़े, नेतृत्व करे और इस बिहार को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की होगी। पप्पू यादव और पप्पू यादव की पार्टी खाद बनने को तैयार है। बिहार की सरकार के द्वारा जो बिजली का जो वसूली हुआ हो रहा है, इन सवालों को लेकर चैलेंज करेंगे हम इस बिहार सरकार को कि बिजली का वसूली आप रोको, अन्यथा आपको एक कदम हम जाने नहीं देंगे। कि यदि आप नियोजित शिक्षक को हटाएंगे तो हम अनिश्चितकालीन के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार की सड़कों और रेल को बंद करेंगे। आरोप है कि यह सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, ये नेचर को समाप्त करती है। 40% पैसा ये स्वास्थ्य और हेल्थ पर लगाए, ये रक्षा बजट को कम करें और हेल्थ और स्वास्थ्य के बजट, स्वास्थ्य और एजुकेशन के बजट को बढ़ाएं। भैया कौन है राजद? अब तो राजद लालू यादव नहीं तो राजद क्या? राजद है ही नहीं, लालू यादव नहीं तो राजद नहीं। आपकी कांग्रेस अब तो एक कुनबा है और वो कुनबा अपराधी माफिया और दलाल बलात्कारियों का कुनबा है, उस पर कहां बहस करना है? मध्य प्रदेश की बात की, आप अपना एजेंडा बताइए। आप आरजेडी के सर, मेरा एजेंडा तो मैंने बताइएगा ना, माइनस राजद आप लोग बना लिए क्या? सर मैंने तो अपना एजेंडा बता दिया, हमारी लड़ाई शुरू हो गई। आपकी बात बिहार नेतृत्व से दूसरी वामपंथियों का, सर सबकी हमारी बात सबसे हो रही है। ऐसा तो नहीं सर कि राजद को अलग करके आप लोग अलग गठबंधन? सर ये मैं नहीं जानता हूँ, तय करना बड़ी पार्टियों की जिम्मेदारी है। बात हो रही है बिहार बचाने की, जिम्मेदारी कांग्रेस और बड़ी पार्टियों की है। सर शिक्षक के लेके, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर राजद के कुर्बे का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रिया पुष्पम भी आ चुकी है सर, मैं कौन है इसके बारे में हमको नहीं पता। शिक्षक के ऐसे लोग आते जाते रहते, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से मेरा सवाल है, आप रैली करेंगे अपराधी बलात्कारी माफिया के पोस्टर से, बैनर से, हुडिंग से, जो लोग एक एक लाख 10-10 हजार गोली लेकर के नक्सल में पकड़ाए, गया में जिनके घर में दारू पकड़ाया जाता आप उसको जेल भेजते हैं, नक्सल के कहने पर नक्सली
की मदद में आप जेल भेजते हैं और वो आपके मीटिंग के आइकॉन होते हैं, होर्डिंग के प्ले बॉय होते हैं। क्रिमिनल्स माफिया पूरे बिहार का आपका मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है और वहाँ बिहार के राजा जाकर के भाषण देते हैं, तो फिर बिहार में अपराध को कौन रोकेगा? ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, विपक्ष का जो पोस्टर बॉय है वो है बलात्कारी लोग, बलात्कार अपराधी माफिया बालू माफिया, इन लोगों का पोस्टर पर बड़ी बड़ी हुडिंग होती है गाड़ियों पर, वो भीड़ इकट्ठा करता है वेटनरी कॉलेज के मैदान में, और एक अपराधी माफिया भीड़ इकट्ठा करने का ठेका लेता है बाहुबली दादा गांधी मैदान में। तो जब आप अपराधियों के बदौलत भीड़ इकट्ठा करेंगे, वो आपका आइकॉन होगा, अपराधी जात का आइकॉन होगा, जात के कारण अपराधियों को आप संरक्षण देंगे, जेल में अपराधियों को संरक्षण देंगे, जेल से धमकी मिलेगी, जेल से गोली मार दिया जाएगा, और अपराधी ही आपके चुनाव का आइकॉन होगा, आप उसको टिकट देंगे। तो फिर पप्पू यादव जानना चाहता है कि मर्डर और हत्या कैसे रुकेगी, और जो अपराधी माफिया बड़ी बड़ी हुडिंग लगाएगा, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाएगा, पोस्टर बॉय होगा, भीड़ लाएगा, बस इकट्ठा करेगा, गाड़ियां लाएगा, लेके आएगा, तो फिर वो वसूली तो करेगा ना व्यवसायियों से, और फिर गोली मारेगा। होली के दिन 40 मौत हुई पूरे बिहार में और 20 मौत अकेला पटना में हुई, और उसके बाद अभी तक सुबह हम गए मिश्रा जी के घर में, उसकी पत्नी बेहोश है, बच्चे उसके सॉक्ट हैं, जो मंत्री हैं एमएलए एमपी हैं वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, लगातार गैंग वार सिटी में हो रही है। दो दिन पहले बगल में वहीं पर गोली चलाई गई और इनका दोष इतना ही था कि इन्होंने सीसीटीवी कैमरा पुलिस को दिया, जिसके चलते इनकी हत्या हो गई। पुलिस वाले दारू बेचवाते हैं, गेसिंग खेल खेलवाते हैं, वो पुर्जी में क्या होता है गेसिंग होता है, उसका पैसा वसूलते हैं, थाने बिकता है, थाने का पैसा जाता है, फिर सुरक्षित कौन करेगा?